Comedy of Errors has spawned many, many plays, and then it spawned a couple of films also in Hollywood also. Then there was Do Dhoni Char made way back in the 50s. Then Do Dhoni Char ki hi remake thi Angoor, you know, and it's world property. But this film has nothing to do with Comedy of Errors. Comedy of Errors a double role film mein aksar kya hota hai na, judwe bhai hote hain. जो बाद में मालूम पड़ता है कि लॉस्ट एंड फाउंड है. इस फिल्म में देयर इज नथिंग लॉस्ट एंड नथिंग फाउंड. देयर इज नो, एक कहावत मैंने पढ़ी थी कि हर इंसान के दुनिया में आठ हमशक्ल होते हैं, तो उसको तैयारी बना के मैंने एक कॉमेडी फिल्म बनाई. इट्स नथिंग टू डू विद कॉमेडी. वेयर इज व्हेन यू सी द फिल्म यू नो. फिल्म में तो बहुत तकलीफ हुई अक्सर. सैफ, रितेश, राम, हम तीनों, हम चारों इनफैक्ट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे. एक दिन तो ऐसा एक सीन भी हुआ था जो रीशूट होना था, रीशूट करना पड़ा, क्योंकि हमने आधा सीन शूट कर लिया था, फिर रियलाइज किया था कि ये जो सीन शूट किया है वो एक्चुअली ये लोग का सीन नहीं था, इनके हमशक्ल का सीन था. तो हमको भी कंफ्यूजन होती थी, लेकिन वो स्क्रीन प्ले उस तरह से बनाया तो बहुत मेहनत करनी पड़ी. मैं अपने बाल डाई करने लगा हूँ, देखिए पूरी तरह से सफेद हो गए थे. आई स्टार्ट लुकिंग लाइक मार्क ज़ुकरबर्ग. हाय, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई फेल्ट दैट इट वाज हॉट. आई वाज वेयरिंग अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम. आई वाज लुकिंग एट रितेश. I was wondering if this is the right co-star to take my career forward. maybe I should send Shah Rukh Khan an SMS. I don't know, you know, but it was great working with him. He's very attractive. I was absolutely attracted towards Saif, and I think Saif was the hottest girl in this film. And those legs, oh my God. I found myself looking at myself in a different way. And I really feel that, you know, women are very powerful. I think a lot of them pretend that, you know, they're all around us and we don't know how it's so easy to get a man's attention. You know, you have to be careful also. If you're sexy like I was, you have to behave in a certain way, otherwise people will give you too much attention, you know. Seriously, I think women are incredibly powerful people, and there's so much sex appeal in a beautiful woman that I think they have to be very responsible and sometimes careful about how they conduct themselves, because it's a very powerful thing, I think, being a woman. Wow. तो क्या रिएक्शन था? आई थिंक शी इज अमेजिंगली स्पॉटिंग एंड शी लाफ्ड एंड शी थॉट इट्स फनी. इफ आई हैड बीन इन हर प्लेस आई थिंक आई वुड हैव फाइल्ड फॉर डिवोर्स. साजिद, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. साजिद, इज देयर एनी टिप्स लाइक किस तरह के आपने आपको प्रिपेयर करना फॉर लड़की? आई थिंक शी फाउंड माय चेस्ट टू लार्ज. साजिद, आई लाइक्ड इट. साजिद, आई लाइक्ड इट टू. थैंक. इंडिविजुअली एक ही कैरेक्टर के साथ रोमांस किया, बट इट वॉज लॉट्स ऑफ फन लुकिंग एट देम डूइंग दैट सॉन्ग खोल दे दिल की खिड़की, क्योंकि वही एक गाना था जिसमें हमसे ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स इनके कॉस्ट्यूम्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा था, तो काफ़ी मज़ा आया उनको देखते हुए. काफ़ी मज़ा आया शूट करते हुए, बट ऑफकोर्स इनका जो सैफ है वो मेरे सैफ से अलग है. बट हमने नहीं किया, बट एक सीन था जो मुझे बहुत मज़ा आया था शूट करते हुए, जिसमें तमन्ना, सैफ और मैं थे, कि कैसे हम कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो किसका सैफ है, और दोनों टाइम सैफ को थप्पड़ पड़ता है. सो कन्फ्यूजन वैसे नहीं था, क्योंकि काफ़ी क्लियर कट था कौन सा है कौन सा बी है. बट मेरे लिए फिल्म में मैंने जितना भी देखा है, आई थिंक सैफ और रितेश ने दोनों ने ही जो पागलों का जो इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, दैट्स वेरी एंडियरिंग. सो आई थिंक दैट्स माई फेवरेट एनी वेज. अगर हम शक्ल, अगर आपको किसी का बनना पड़े इंडस्ट्री में, किसी की हम शक्ल बनना पड़े या किसी का हम शक्ल बनना पड़े, तो किसका बनना चाहेंगे? सैफ से शुरुआत करेंगे. सैफ, माधुरी दीक्षित. श्री राम नेने. आई वुड लाइक टू बी हर. यू बास्टर्ड. भारती, अगर मुझे मौका मिले, मैं I would like to be Hamshakal of Ritesh and his sexy legs.
ईशा और तमन्ना आप दो भी रह गई हैं। फीमेल वर्जन ऑफ रितेश। फीमेल वर्जन ऑफ रितेश देखा? You are as far from being a female version of Ritesh as he is from being a male version of you. Isha, Isha. I think I've always found Sridevi ji really pretty. So if I have to be, I mean, why not? For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.